बात करते हैं कैसे गांव की, जहां मुफ्त में दूध मिलता है वहां दूध का कारोबार नहीं होता। मान्यता है कि जिसने भी दूध बेचने की सोची उसके ऊपर आफत आ गई। देखिए रिपोर्ट। आज की दुनिया में हर चीज पैसों से मिलती है, यहां तक कि पानी भी अब बिकने लगा है। जहां हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है, वहां दूध का मुफ्त में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां दूध की बिक्री नहीं होती बल्कि मुफ्त में दूध बंटता है। इस गांव में कोई दूध का कारोबार नहीं करता। जी हां, सही सुना आपने। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है 500 की आबादी वाला गांव भमका। यहां पर आज भी दूध बेचा नहीं जाता। हालांकि इस गांव में बड़ी मात्रा में दूध होता है, लेकिन बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए। यदि किसी को समारोह या आयोजन के लिए दूध चाहिए तो उसे मुफ्त में दे दिया जाता है। बहुत सी डेयरियाँ अपन ने सिटी में देखी हैं, डेयरी वाले सफल भी हैं और आजू बाजू के गांव से अपन देखते हैं दूध का उत्पादन विक्रय किया जाता है, सफल है लोग। लेकिन हमारा भमका गांव इस मामले में तो बहुत पीछे, देवी कृपा जैसी भी हो दूध तो हम नहीं बेच सकते। ये नरसिंहपुर जिले का ये भमका गाँव जहाँ आज तक एक भी बूंद दूध बेचा नहीं गया है। आप भले ही मुफ्त में कितना ही ले जाएं, लेकिन बेचने के नाम पर यहाँ हर आदमी आपसे दूर हो जाएगा। मनीष ममार, भमका, नरसिंहपुर से समय, मध्य प्रदेश। गांव में दूध की बिक्री ना होने को लेकर गांव के बुजुर्ग इसे हौलेरा ग्वाल दादा का आशीर्वाद मानते हैं और बताते हैं कि ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और इनके पूर्वज भी दूध नहीं बेचते थे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गांव में जो इष्ट देवी देवता पूजे जाते हैं उनके प्रकोप से बचने के लिए कोई दूध नहीं बेचता। ग्रामीणों की माने तो यदि कोई चोरी छिपे दूध बेच देता है तो उसके ऊपर आफत आ जाती है और उस घर में कोई ना कोई हादसा हो जाता है, लिहाजा गांव वाले इस डर से भी दूध नहीं बेचते। कई साल हो गए बता थे कि होलेरा माता बहू को कोप से दूध नहीं बिके थे, तो भाई कारण से तो नहीं बिके और ऐसा करके भी देख लो हमने ना, तो ढोल माने खून दिए थे तो बकारण से पूरे गांव में दूध बिल्कुल नहीं बिक सके। बता दो 102 साल के लगभग से अपने जानकारी है सियानों से, तो भैया दूध बिकते ही नहीं है जगह। हाँ, बस दूध मही बना था तो वो ही वितरण हो तो गाँव में गाँव के ले जाट है और बस भगवान दूध नहीं बिके। बस अब मही माठा बनता है, घी बनता, घी बेचते है, घी बिकता है, दूध नहीं बिक सके। यहाँ की परंपरा ये है, लगभग 40 साल का मेरा अनुभव है कि यहाँ दूध का उत्पादन तो अब बहुतायत रूप में किया जाता है लेकिन इसका व्यापार नहीं किया जाता। एक बार मैंने अपने माध्यम से भी ये व्यापार करने की सोची थी, 5 भैंस का मालिक था, आज दूध बेचने की ये पोजीशन है, केवल मेरे शहर में केवल 2 पड़ा है, 1 भैंस है, ये मुख्य रीजन है। यहाँ की देवी शक्ति जो है, देवी शक्ति अगर मान लो दूध का व्यापार करते हैं तो बहुत बुरे रूप से प्रताड़ित करती हैं। और मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है 1 घंटे में 15-15 भैंस इस गांव में मरते हुए देखा है मैंने। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि गांव में यदि कोई पशु बीमार पड़ता है तो सिर्फ एक नारियल उनके देवी देवताओं को चढ़ा देने से उस जानवर की बीमारी ठीक हो जाती है। संगा हमारी माई देवी माई के संगा तो तारी भैंस मर जाए बच्चा मर जाए बाबू बिल्कुल कला है और जैसा खोटे में हमारी देवी माई कोई कछु कर है, हम मानते नहीं बिल्कुल, हम देवी माई का आधार पे है। छल बता कहूँ कछु हम कमाना तुम कमल गटा कहूँ कछु, हम जान के नरियल ऐसे यहाँ से कर और कहूँ नरियल गलत होगा नहीं तो मूठा बांध के यहाँ से कर दो और फोड़ रिपंडा तो बिल्कुल चोख होने न करा था देवी माई भाई दिन आज पूछ बछोड़ दा। हालांकि गांव के युवा दूध की बढ़ती कीमतों और जरूरतों को देखते हुए दूध का कारोबार करने की बात तो करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से चली आ रही मान्यताओं की वजह से वो इसे हकीकत के धरातल पर उतारने की हिम्मत नहीं कर पाते। परंपरा तो हम लोगों को विरासत में मिली है, हम बचपन से इसे सौकाल से देखते आए हैं कि गोबर सार झरवे के बूट पैर नहीं जा सके वहाँ में, और जब तक गोबर नहीं डरे जब तक पड़ोसी है भी मतलब दूध नहीं दे सके,
अपन अपनी उपयोग में ले सकते हैं इसको। कैसा महसूस करते हैं आज? परंपरा तो कहे चली आ रही है, तो हम लोग भी बाकी परिपालन में चल रहे हैं। वैसे आर्थिक रूप से तो घाटा है, मतलब दूध को नहीं बेचने में। कहे यहाँ पर बड़े पैमानों पर सब लोगों के पास दो दो चार चार भैंसे हैं, और दूध में जो प्रॉफिट है वो घी में नहीं है। इसके बावजूद भी अब वो घी बेचना पड़ता है यहाँ पर। बहरहाल दूध की बढ़ती मांग और आसमान छू रही कीमतों की वजह से ये महानगरों ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब अहम कारोबार बन गया है। लेकिन इस गांव में दूध की बिक्री ना होने की बात किसी आश्चर्य से कम नहीं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।